धम्मपद चित्तवक गाथा कथा नंबर 41। ये सावित्री की कथा है, तिस्से थेर की है। तिस्से थेर जिनका नाम बाद में पुतिगत तिस्से पड़ गया। एक तिस्से थेर थे। तिस्से बहुत जगह नाम आएगा, बड़ा फेमस नाम है भगवान बुद्ध के समय का। तिस्से का मतलब है तीन चीज के लिए, तीन वस्तुओं के लिए, तीन बात के लिए। कौन सी तीन बात है? बुद्ध धम्म और संघ के लिए जो अपने आप को समर्पित करता है उसे नाम तिस्से पड़ता है। इसलिए तिस्से नाम बहुत फेमस है। आजकल भी बच्चों को तिस्से नाम रखना चाहिए, यानी तीनों चीज के लिए। तो तिस्से जो थेर थे उन्होंने भगवान से पवज्जा ली। पवज्जा लेने के बाद में वो ध्यान साधना करने लगे। ध्यान साधना करने लगे तो उनके जो सॉफ्टवेयर में और जो उनके जो पुराने वर्जन थे सॉफ्टवेयर के, जहां से उनका बर्थ हुआ, जैसे उनका बर्थ हुआ जिसके तहत में, उसके समय कुछ जो फॉल्ट रहे होंगे, जो कमियां रही होंगी, जो बातें खराब हुई हैं फाइलों के अंदर, उसकी वजह से उनके शरीर पर छोटे छोटे दाने आने लगे। दाने बड़े होने लगे, वो फफोलों में पड़ गए और वो सड़ने लगे। सड़ने लगे तो उनमें से मवाद निकलने लगा। मवाद निकलने लगा तो उनका जो चीवर था वो चिपक जाता था। सारे भिक्कों ने उनका नाम पुतिगत तिस्से रख दिया। पुति माने होता है सड़ा हुआ मवाद, और गत माने होता है शरीर, और तिस्से माने उनका नाम जो था, यानी तीनों के लिए। तो पुति गत तिस्से यानी सड़े हुए मवाद के शरीर का तिस्से, ये नाम उनका पड़ गया। भगवान बुद्ध ने उनकी अवस्था देखी और उनकी अवस्था देखने के बाद ये जाना कि अब ये अर्हत होने के, निब्बान होने के, अमृत पद को प्राप्त करने के, अमृत पद को प्राप्त करने के लिए, अमृत छकने के लिए अब ये तैयार हैं, अवस्था में आ चुके हैं। तो भगवान बुद्ध ने उनके पास गए, उनके जो चीवर वगैरह उसको धोया, उनकी मवाद को साफ किया और उनको कहा कि थे तिस्से, अब आप इस तरह की देशना करो, ये देखो कि जैसे आपका शरीर व्याणा रहित, व्याणा रहित मतलब जिससे सॉफ्टवेयर चलता है, विज्ञान सहित यानी विज्ञान रहित, अब आपके शरीर में व्याणा नहीं है, विज्ञान नहीं है, और ये एक जैसे पेड़ जो बारिश के दिनों में जहां पानी भरा रहता है दलदल, वहां जैसे पेड़ टूट के गिर जाता है और उसका लट्ठा सड़ता रहता है, इस तरह से आप देखो अपने शरीर को, और इस तरह की देशना देकर वहां से वो चले गए। जो पुतिगत तिस्से भिक्कू थे उन्होंने अपने शरीर को उसी तरह से देखा और देखते 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 वो अर्हत हो गए, दुखों से मुक्त हो गए। सभी जितने जीते जी दुख थे उन सब से उनकी छुटकारा मिल गया। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही जो गाथा नंबर 41 धम्मपद के अंदर आती है। गाथा इस प्रकार है, अचिरंग वतेयंग कायो पथविंग अधिशेषति छुद्दो अपेत व्याणो निरथंग व कलिंगरंग। अचिर का मतलब है जो चिर ना हो। चिर जो शब्द आता है वो आता है बहुत लंबी आयु को या बहुत लंबे समय को, जैसे कि चिरंग काल तक, चिरायु रहे, चिरंग। तो जो चिरायु वाला जो शब्द है अगर उसमें ए लगा दें तो अचिर आयु हो जाएगा, यानी कम आयु वाला। तो अचिर का मतलब है अस्थाई। वतयंग, वतय माने होता है दुख की संवेदना, जैसे ओ कहते हैं या दुख की जो वेदनाएं संवेदनाएं होते हैं उसको वतय बोलते हैं। अचिरंग वतय कायो, काय माने होता है शरीर, यानी कि शरीर के अंदर जो ये दुख की संवेदना है, जो दुख आता है, ये अस्थाई है, इम्परमानेंट है, ये चली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। पथविंग अधिशेषति, पथविंग जो शब्द है वो पृथ्वी को बुला हुआ है। पृथ्वी यानी पृथ्वी पर, अधिशेषति का मतलब है लेटा हुआ जाएगा, यानी लेटा हुआ पड़ा होगा। अधिशेषति का मतलब है कि लेट जाएगा, यानी कि ये शरीर पृथ्वी पर लेट जाएगा बिना संवेदनाओं के। छुद्दो अपेत व्याणो, छुद्दो माने छुद्ध तुच्छ, अपेत व्याणो माने चला जाएगा जिसका व्याण विज्ञान, यानी कि शुद्ध है व्याण इसका, चला जाएगा। निरथंग व कलिंगरंग,
निरर्थक का मतलब निरर्थक, जैसे कलिंगर माने लकड़ी का सड़ा हुआ टुकड़ा। जैसे लकड़ी का सड़ा हुआ टुकड़ा निरर्थक होता है, बेकार होता है, ऐसे ही ये तुच्छ जो शरीर है बिना व्याणा का, ये शरीर पर पृथ्वी पर लेट जाएगा। अचिरंग वते कायो, और ये जो दुख की जो संवेदना है ये स्थायी नहीं है, ये अस्थिर है, ये चली जाएंगी। इसका अगर हिंदी में हम सरल भाषा में कहें तो वो इस प्रकार है, ओहो अस्थाई शरीर पृथ्वी पर लेट जाएगा, तुच्छ बिना विज्ञान का निरर्थक सड़े लट्ठे जैसा। यानी कि जो अस्थाई शरीर है ये पृथ्वी पर लेट जाएगा बिल्कुल लट्ठे की तरह, जैसे लकड़ी का सड़ा हुआ लट्ठा होता है जिसके अंदर कोई जान नहीं होती, जो तुच्छ होता है, निरर्थक होता है, बेकार होता है, ऐसा जानकर देशना के लिए उन्होंने बोला। तब ये गाथा नंबर 41 कही चित्त मग्गो की। धन्यवाद। Shut up.